मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर में 11 फरवरी से 13 फरवरी तक बसंत पंचमी के उपलक्ष में गौ गोपाल कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें गौ भक्त चंद्रकांत महाराज विशेष रूप से उपस्थित होकर गौ गोपाल कथा अपने मुखारविंद से आश्रम में उपस्थित भक्तों को श्रवण करवाएंगे। 14 फरवरी को मंदिर परिसर में बसंत का समागम होगा। इसी उपलक्ष में मंदिर परिसर में श्री धाम अयोध्या जी एवं जालंधर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज जी के कृपा पात्र एवं गद्दीनशीन महामंडलेश्वर महंत केशव महाराज की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने ध्वजारोहण करके किया। इस अवसर पर बाबा लाल जी की पालकी आकर्षण का केंद्र थी। इस शोभा यात्रा में स्टार मून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर महंत पवन कुमार दास छोटी रुड़का वाले बाबा राज की शोर, महंत सिया शरण दास, महंत पवन दास पट्टी वाले, महंत पवन कुमार, पंडित अम्बरीश तिवारी, पंडित विपिन शर्मा, कृष्ण लाल खंडवाले, अशोक विरमानी, धर्मपाल शर्मा, राजीव वालिया, भाजपा नेता विपिन शर्मा, भाजपा नेता पंकज मल्होत्रा, राजेश बजाज, बलदेव कपूर, प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला, राहुल जीत, बब्बू बजाज, साहिल सहदेव, रामपाल शर्मा, विशाल कपूर, साहिल पंडित, मुकेश सहदेव, दीपक कुमार लाडी सहित असंख्य भक्त मौजूद थे। भक्तों ने स्वागती मंच, पुष्प वर्षा एवं लंगर लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया, जिसके पश्चात कथा की शुरुआत हुई, जिसमें सांसद सुशील कुमार रिंकू की धर्मपत्नी एवं पूर्व पार्षद श्रीमती सुनीता रिंकू ने कथा में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जमीन
प्रकृति, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य और संस्कार, इन सातों की रक्षा है हमारी गौ माता, उसकी कथा है। फिर ये जो पंचभूत है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इन पांचों की मां है प्रकृति, पंचभूतानि, ग्रह लोकासुरा तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। घर का मंगल करती है मेरी मां, लेकिन आज वो मेरी मां घर से बाहर निकल गई है और यहां गौशालाओं तक सीमित हो गई है, तो इस पर भी चर्चा होगी कथा। तो ऐसी कुछ हमारी गौ माता, इसकी कथा हमारी रहने वाली है। गौ माता के जो महिमा है, कृषि का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, स्वास्थ्य का आधार है, हमारी गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है। ऐसी गौ माता की गौ कथा, ये दिव्य गौ कथा, मैं आज केवल एक चौपाई कहूंगा और दो चौपाई आपसे निवेदन करूंगा कि याद करें। यहां पर प्रतापवाद विश्राम देंगे, प्रसाद लेकर